मेरे मित्रों, मैं कारगिल पहुंच गया हूं फाइनली, और 3:30 पे पहुंच गए थे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी मैं वीडियो जो वो मैं कारगिल मार्केट में बना रहा हूं। हमने रूम लिया है 900 रुपीज़ में एक दिन के लिए। तो अभी मैं आपको कारगिल मार्केट दिखा दूँ क्या क्या करते हैं। बाकी जिन्होंने आपने पुरानी वीडियो ना देखी हो तो देख लेना। बाकी चलते हैं, हमने कुछ खाया नहीं है, पिछली वीडियो देख लेना। हम अभी पहुँचे हैं कारगिल 1 घंटे पहले, तो थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। उसके बाद हम खाना खाएंगे, क्योंकि खाना हमने अभी कुछ खाया नहीं है प्रॉपर। सो कारगिल मार्केट इज़ सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ कारगिल सिटी। पुराने समय में कारगिल मार्केट जो है पुराने हिसाब से काफ़ी इवॉल्व हो गया है, एंड ट्रेडिंग सेंटर माना जाता है ये कारगिल मार्केट जो है। यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो सिल्क की होती है। तो ये कारगिल मार्केट मतलब इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा है। एंड यहाँ पे आपको शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी फ्रूट्स की, एंड कैफेज़ हैं। अभी हम कैफ़े वगैरह ट्राई करेंगे, क्योंकि और बताएंगे अगर आप कारगिल मार्केट में रुकते हो तो कौन सा कैफ़े अच्छा है, जिससे कि आपको वो ना हो, पैसे लॉस ना हो किसी गलत कैफ़े में जाके। तो ये लोग हैं यहाँ के कारगिल के। ये वाला जो एरिया है ये लाल चौक है, जैसे कि कश्मीर में है लाल चौक, वैसे यहाँ पे कारगिल में लाल चौक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इकबाल केमिस्ट जी। ये भीड़ रखी है, अभी शाम का वक्त है, 5:30 हो गए हैं। हमारा मन जो है वो जंक फूड खाने का है, तो हम जा रहे हैं होटल रेस्टोरेंट मेज़मान में। तो एंटर करते हैं, चल पर्दा हटा दे। क्या क्या है? ताज मचान बस चाइनीज़ में कुछ नहीं होगा? वल्लाइबा, आप यहीं के यहीं रहते हो? बात कर, लद्दाख लैंग्वेज आती है? ठीक है, उसको भी बोल के दिखाओ। नहीं आती? बाय, थैंक यू, लव यू। एक चीज़ बता देता हूँ, लाल चौक का जो रास्ता है वो वन वे है, तो अगर आप यहीं से मोड़ के उस तरह जाओगे तो पुलिस पकड़ लेगी, तो सीधा ही जाना पड़ेगा आपको। तो भाई नदी है, पूरी ब्लू रखी है, साफ पानी एकदम, ये देखो। हाँ ना ना, बीमार थोड़ी होना है, ठंडा पानी होगा कि तुम गर्म तो नहीं हो? गर्म है। तो वन वे ट्रैवल करके हम अब यहाँ पे आ गए हैं, आलिया रेस्टोरेंट। देखते हैं कैसा होगा। मैं तो यही करता हूँ, एक ही डिश मंगाता हूँ, अगर अच्छी हुई फिर दूसरी मंगाता हूँ। तो अभी हम जहाँ पे आए हैं इन पे मटन मोमोज ही हैं, और कोई वैरायटी नहीं है, तो मटन मोमोज ट्राई कर रहे हैं। खाइयो, कैसा है? कुछ बताइए अलग, मतलब दिल्ली से क्या अलग है, दिल्ली में जैसे हम रहते हैं ना। तो ये कारगिल का जो ऑल्टीट्यूड है वो 8,700 फीट है, एंड काफ़ी मतलब ठीक है, और यहाँ पे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ऑक्सीजन की, आप आ सकते हो। और बाकी भैया बता रहे थे कि थोड़ा गर्मी के टाइम में आऊँ, जैसे मतलब जुलाई अगस्त के टाइम, तब आपको अच्छा लगेगा। तो ये आपका टैक्सी स्टैंड है यहीं पर कारगिल में। अगर आप टैक्सी प्रेफर करते हैं तो आप टैक्सी ले सकते हैं। बाकी हम कैफ़े की तरफ जा रहे हैं, दूसरे उधर ही बैठेंगे, अपना शाम वहीं बिताएंगे। थोड़ा वॉक कर लेते हैं, और आप मेरा ट्राउज़र बताइए कैसा लग रहा है। है तो वैसे ये लेडीज़ का, बट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका जो कलर है डाई कलर है और काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को, इसलिए लिया है मैंने। हैं, चलेगा ये भाई? यहाँ पे डेली मार्केट लगता है? अच्छा, तो यहाँ पे कपड़े वपड़े का मार्केट लगता है। तो भैया ने बताया इसका नाम है दरिया सरू, और ये जंस्कार से होके कहाँ तक? पाकिस्तान तक जाता है। पाकिस्तान तक जाती है रिवर, और वहाँ पे फिर बंटवारा हो जाता है। तो मैं नीचे आ गया था, जैसा कि उन्होंने नाम बताया था रिवर का, जो कि यहाँ से होके पाकिस्तान जा रही है। तो अभी मैं 5-10 मिनट बैठा था, काफ़ी आराम मिला, शांति एकदम, कोई है नहीं, देखो यहाँ पे कोई भी बैठा हुआ। और शाम हो गई है और पूरी लाइट्स चल गई हैं, व्यू जो है काफ़ी अच्छा हो गया है शाम का। ओए होए, और ठंडी हवा चल रही है। क्या कर रहा है? तो देखते हैं, थोड़ा 5-10 मिनट और बैठते हैं, थोड़ी और शांति प्राप्त करते हैं। तो अभी हम अफ़गानी रेस्टोरेंट आ गए हैं, और यहाँ पे मतलब नेम जो है आलिया रेस्टोरेंट है, बट ये अफ़गानी सेल करते हैं, तो यहाँ पे बैठने का सिस्टम अच्छा है, इधर आप बैठ सकते हो आलती पालती मार के, बाकी चेयर में भी बैठ सकते हो। तो मैं बैठता हूँ पहले। ओए ओए,
तशरुफ़ कीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ, ये है इनका मेन्यू कार्ड। ख़त्म। तभी तो रोटी मंगाई है, गिरी होता तो। मैं भाई नीचे रुक गया था तो इसने बिना पूछे खाना भी मंगा लिया, तो आप देख सकते हो मेरी बेइज्जती करी है तकल्लुफ़ करके इसने। और ये मैं कहा अफगानी चिकन, अफगानिया कट चिकन कढ़ाई ऊपर क्या डाला है वाइट वाइट। और ये रोटी मंगाई है, खमीरी रोटी है, कौन सी है? नॉर्मल वाली। तो अभी खाते हैं यहाँ पे बैठ के, तो शुरू करते हैं। देख सकते हो हम कैसे क्या लगाइयो, मत खाना मतलब नहीं।